वेलकम टू केमिस्ट्री प्लेनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हिटॉप्स थ्योरेटिकल डिवाइस। इसमें हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ आयन्स एंड अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड्स। अब इस टॉपिक को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, बिल्कुल कूल माइंड से इसको समझना है और बिल्कुल एंड तक देखना है वीडियो, और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ये समझा दूंगा कि ये एक्चुअली है क्या और इसका क्या कहना है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स हैं और इसमें हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड डाल दिया, तो पॉजिटिव आयन्स इधर जाएंगे कैथोड की तरफ यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और नेगेटिव आयन्स जाएंगे एनोड की तरफ और यहां पे डिस्चार्ज होंगे। और जितने चार्जेस कैटायन के डिस्चार्ज होंगे उतने ही एनायन के भी डिस्चार्ज होंगे, या मैं ऐसा बोलूंगा जितने पॉजिटिव चार्जेस डिस्चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी डिस्चार्ज होंगे, ताकि ओवरऑल जो ये सोल्यूशन है ये न्यूट्रल रहे, और सोल्यूशन हमेशा न्यूट्रल रहता है, ये बात याद रखना, ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आप याद रखेंगे वो है कि फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहता है कि अगर हम सेल्स के थ्रू या इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो आयन्स वहां पे लिबरेट होंगे या डिस्चार्ज होंगे वो इक्वल अमाउंट्स में होंगे, इक्वल अमाउंट्स, या मैं बोलूंगा इक्विवेलेंट अमाउंट्स। इक्विवेलेंट अमाउंट्स मतलब जितने चार्जेस पॉजिटिव आयन के डिस्चार्ज होंगे न्यूट्रलाइज होंगे उतने ही चार्जेस नेगेटिव आयन के भी डिस्चार्ज होंगे, क्लियर। यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस डिस्चार्ज्ड, यानी जितने ये न्यूट्रलाइज होंगे उतने ही ये भी न्यूट्रलाइज होंगे, और सोल्यूशन में भी ऐसा ही रहेगा। न्यूट्रलाइजेशन के बाद में सोल्यूशन में ओवरऑल जो सोल्यूशन रहेगा वो न्यूट्रल रहता है, यानी जितने उसमें पॉजिटिव आयन रहेंगे उतने ही नेगेटिव आयन रहते हैं, तभी कोई भी सोल्यूशन स्टेबलाइज हो सकता है, यानी स्टेबल हो सकता है, ठीक है, यानी ओवरऑल सोल्यूशन न्यूट्रल रहता है, ये बात याद रखना। लेकिन साथ ही में और एक बात भी याद रखना कि स्पीड ऑफ आयन्स जो रहती है वो सेम नहीं रहती। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जितने Na पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होंगे इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान उतने ही Cl नेगेटिव भी न्यूट्रलाइज होंगे, लेकिन जितना फास्ट क्लोरीन इसके पॉजिटिव की तरफ भागेगा उतना ही फास्ट सोडियम नहीं भाग सकता है, सोडियम इससे फास्ट या इससे स्लो भी भाग सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ चार्ज जो न्यूट्रलाइज होंगे डिस्चार्ज होंगे वो सेम होंगे, लेकिन जो स्पीड ऑफ आयन्स होगी मूविंग टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स वो सेम नहीं हो सकती है, कभी हो भी सकती है लेकिन जनरली सेम नहीं रहता, ठीक है, यानी उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो सेम रहे, ठीक। इसी तरह से अगर मैं यहां पे CuCl2 इसका इलेक्ट्रोलिसिस करूं तो क्या होगा, ये बनाएगा Cu2 पॉजिटिव और ट्वाइस Cl नेगेटिव, यानी जब तक एक कॉपर आयन न्यूट्रलाइज होगा तब तक दो Cl नेगेटिव आयन्स न्यूट्रलाइज होंगे, क्योंकि एक कॉपर को न्यूट्रलाइज करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत रहती है, जबकि एक यानी दो चार्जेस, दो नेगेटिव चार्जेस इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, जबकि एक क्लोरीन को एक नेगेटिव चार्ज यानी एक चार्ज होता है इसके ऊपर तो एक ही पॉजिटिव चार्ज इसको न्यूट्रलाइज करेगा, और इसलिए जब तक एक कॉपर न्यूट्रलाइज होता है तब तक दो क्लोरीन न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यानी इक्विवेलेंट अमाउंट्स में होते हैं, इक्विवेलेंट यानी चार्जेस जो न्यूट्रलाइज होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन स्पीड जो रहेगी आयन्स की वो सेम नहीं रह सकती है। सपोज इसकी स्पीड ज्यादा रहेगी इसकी स्पीड कम रहेगी, ठीक, यानी स्पीड टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स वो सेम नहीं रह सकती। इसका मतलब यह होता है कि स्पीड ऑफ नेगेटिव आयन स्पीड ऑफ पॉजिटिव आयन के बराबर नहीं हो सकती, क्लियर। और ये तो थी बेसिक चीज, यानी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जितने पॉजिटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज होते हैं उतने ही उसी टाइम पे नेगेटिव चार्जेस भी न्यूट्रलाइज होते हैं, लेकिन जो स्पीड ऑफ आयन्स है वो सेम नहीं रहती, बस ये दो पॉइंट्स आपको याद रखना। अब
एक साइंटिस्ट है हिटॉप, जिसके नाम पे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, और वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी वो मैं आपको बताता हूं। हिटॉप ने देखा जो स्पीड ऑफ कैटायन मूविंग अवे फ्रॉम एनोड, क्योंकि पॉजिटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दूर भागता है ना, तो उसने कहा देखा कि स्पीड ऑफ कैटायन मूविंग अवे फ्रॉम एनोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉल इन कंसेंट्रेशन ऑफ कैटायन्स अराउंड एनोड। यानी जितना स्पीड से, मान लीजिए ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जितना जल्दी ये पॉजिटिव आयन दूर भागेगा, नेगेटिव आयन तो वही रहेगा है ना, नेगेटिव आयन यही रहेगा, उतना यहां पे कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा इसके अराउंड। कंसेंट्रेशन मतलब ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो अगर पॉजिटिव आयन भाग गया, यहां पे सिर्फ नेगेटिव आयन रह जाता है ना, नेगेटिव आयन डिस्चार्ज हो जाएगा, क्लियर। जितना फास्ट ये पॉजिटिव आयन भाग जाता है उतना यहां पे ये पियर्स हैं जो सॉल्ट की पियर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन, इन्हें सॉल्ट कम हो जाता है या कंसेंट्रेशन कम हो जाती है। वही बोल रहा है कि स्पीड ऑफ कैटायन मूविंग अवे फ्रॉम एनोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉल इन कंसेंट्रेशन ऑफ कैटायन्स अराउंड एनोड। यानी जितना ये दूर जल्दी भागेगा उतना यहां पे कैटायन्स की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। इसी तरह से स्पीड ऑफ एनायन मूविंग फ्रॉम कैथोड, यहां पे सपोज नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड, इससे नेगेटिव आयन दूर भागेगा, जितना जल्दी ये नेगेटिव आयन दूर भागेगा, जितना फास्ट ये भागेगा उतना यहां पे नेगेटिव आयन्स की जो कंसेंट्रेशन है कैथोड के नजदीक वो कम होगी। ये सिंपल सी बात है, यह आपको भी आराम से समझ में आ जाती है। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है इनके बेसिस पे हिटॉप ने एक जनरल रूल दिया जिसको हम कहते हैं हिटॉप्स रूल। हिटॉप्स रूल क्या था? हिटॉप कहता है कि फॉल इन कंसेंट्रेशन अराउंड एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ आयन्स मूविंग अवे फ्रॉम इट। ये सिंपल सी बात है, यानी इन दोनों का कंक्लूजन, जितना कोई आयन किसी इलेक्ट्रोड से दूर भागेगा उतना उस इलेक्ट्रोड के नजदीक कंसेंट्रेशन भी कम हो जाएगा। क्लियर, बात मेरी समझ में आ रही है? तो कंसेंट्रेशन जब भी मैं बोलूंगा ना, सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन, तो समझ लेना कि ये दोनों आयन्स की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव आयन। अगर इन दोनों में से एक भी इधर उधर गया, माने भाग गया, दूर भाग गया, तो दूसरा डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कंसेंट्रेशन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। ठीक है, ये चीज जो है, ये ऑब्जर्वेशन जो मैंने पीछे एक दो बातें आपको कही वो, और ये रूल, ये हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं। इट दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय हिटॉप्स थ्योरेटिकल डिवाइस। हिटॉप्स थ्योरेटिकल डिवाइस क्या है? ये एक थ्योरेटिकल सेल है, मतलब एक सेल बनाया हमने पेपर पे ताकि हमें समझ में आ जाए कि होता क्या है। इस सेल को गौर से देखो, इस सेल में मैंने तीन चेंबर्स बनाए। देखो पहला ये चेंबर है, इसको हम कहते हैं एनोडिक कंपार्टमेंट, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का कंपार्टमेंट। इस साइड में, राइट साइड में और एक कंपार्टमेंट है नेगेटिव इलेक्ट्रोड का कंपार्टमेंट। ये इलेक्ट्रोड है, ये वाला, ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड का कंपार्टमेंट, इसे हम कहेंगे कैथोडिक कंपार्टमेंट। और बीच में जो कंपार्टमेंट है ना वो मिडल कंपार्टमेंट, यानी इसको हम सेंट्रल कंपार्टमेंट, ये ना तो कैथोड का है और ना एनोड का। ठीक, ये हो गई एक बात। दूसरी बात, यहां पे मैंने लिए है टोटल मिला के चार आयन पियर्स, यहां पे चार आयन पियर्स और यहां पे पांच आयन पियर्स, ये 13 आयन पियर्स। तो इसमें सेंटर में पांच आयन पियर्स हैं, इधर चार हैं और इधर भी चार आयन पियर्स। आयन पियर्स मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर, शाबाश। अब इसको अगर हमें समझना है, इसकी जो ऑब्जर्वेशन है अगर हमें समझनी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पांच पियर्स हैं सेंटर वाले, इसके साथ कुछ भी नहीं छेड़ना, बस इनको सेम रख देना। मतलब ऐसा सोचना कि इनके साथ कुछ हो नहीं रहा, इनको हमेशा सेम रखना, यानी इनके ऊपर आप नजर ही नहीं डालना, आप नजर सिर्फ इधर रखना कैथोडिक कंपार्टमेंट पे और एनोडिक कंपार्टमेंट पे। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं होता क्या है। सपोज, हम सपोज कर रहे हैं, पहला केस ले रहे हैं, पहले केस में हम सिर्फ एनायन्स मूव करा रहे हैं, यानी एनायन मूव हो रहा है, एनायन की स्पीड ज्यादा है, कैटायन की स्पीड कुछ भी नहीं है, यानी कैटायन मूव नहीं हो रहा। तो होगा क्या, यहां पे जो एनायन है, यहां पे जो एनायन है और ये एनायन है, सपोज दो एनायन्स,
यहां से मूव हुए और इधर आ गए, यानी फास्ट मूव हो गए, तो कहां कहां से मूव होंगे? वो कैथोडिक कंपार्टमेंट से सिर्फ सीधा एनोडिक कंपार्टमेंट यानी पॉजिटिव कंपार्टमेंट की तरफ आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे दो नेगेटिव चार्जेस ज्यादा आ गए, ठीक, और यहां पे दो पॉजिटिव चार्जेस रह गए, ठीक है। बाकी सब पेयर से, देखो यहां पे चार पेयर से, यहां पे ये दो पेयर से, मींस सॉल्ट्स। अब ये भी डिस्चार्ज हो जाएंगे, यहां पे पॉजिटिव चार्जेस जो है, पॉजिटिव आयन्स जो है वो डिस्चार्ज हो जाएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, और नेगेटिव आयन्स जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज होंगे। जितने पॉजिटिव चार्जेस डिस्चार्ज हो जाएंगे उतने ही नेगेटिव, ठीक है। हालांकि स्पीड किसकी है ज्यादा? एनायन की, लेकिन डिस्चार्ज दोनों बराबर बराबर होंगे। इस साइड में दो एनायन ज्यादा है ना, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, इस साइड में दो कैटायन ज्यादा है तो वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, ठीक। अब यहां पे पहले भी चार पेयर्स थी, अब भी चार पेयर्स हैं, यानी यहां पे जो कंसेंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की वो सेम रहेगी, लेकिन यहां पे कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी क्योंकि यहां पे चार पेयर्स के बदले में सिर्फ दो पेयर्स रह गई, ठीक। तो पहले केस में हमें यह पता चला कि एनायन की स्पीड अगर ज्यादा भी है लेकिन जो नंबर ऑफ आयन्स होंगे यानी कैटायन्स डिस्चार्ज्ड वो होंगे बराबर नंबर ऑफ एनायन डिस्चार्ज्ड। डिस्चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता स्पीड पे, स्पीड की वजह से, लेकिन कंसेंट्रेशन पे फर्क पड़ता है। एनायन की फास्ट स्पीड की वजह से जो कैथोड है, कैथोडिक कंपार्टमेंट, वहां पे कंसेंट्रेशन डाउन हो गई। अब दूसरा केस लेंगे, दूसरे केस में हम दोनों आयन्स मूव कराएंगे विद सेम स्पीड, यानी जब तक दो एनायन मूव होते हैं तब तक दो कैटायन मूव होते हैं। मान लीजिए यहां पे दो कैटायन थे वो इधर चले गए, इधर आ गए, इधर मूव हो गए, और यहां पे जो दो एनायन थे वो इधर आ गए, एक्स्ट्रा दो एनायन, ठीक, मूव हो गए, ठीक। अब यहां पे देखो, यहां पे पेयर्स देखते हैं कितने, सेंट्रल का छोड़ दो, सेंटर को देखो ही मत, यहां पे पेयर्स कितने, पॉजिटिव नेगेटिव दो पेयर्स, बाकी एक्स्ट्रा चार्जेस कितने हैं, चार पॉजिटिव चार्जेस सोल्यूशन में स्टेबल नहीं रहेंगे, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, यानी वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर डिस्चार्ज हो जाएंगे, खत्म। चार नेगेटिव चार्जेस यहां पे डिस्चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डिस्चार्ज, यहां पे चार नेगेटिव चार्जेस हैं यानी चार एनायन्स हैं, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो इसका मतलब जब तक यहां पे चार एनायन डिस्चार्ज हो जाते हैं तब तक यहां पे चार कैटायन डिस्चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। स्पीड कैटायन और एनायन की सेम थी इसलिए यहां पे भी कंसेंट्रेशन डाउन हो गया, यहां पे भी कंसेंट्रेशन डाउन हो गया। यहां पे चार में से सिर्फ दो पेयर्स रह गई, यहां पे चार में सिर्फ दो पेयर्स रह गई, क्लियर, ठीक है। तो फिर ये पता चला कि स्पीड की वजह से, इसमें तो पहले कैटायन की स्पीड नहीं थी कुछ भी, तो वहां पे कंसेंट्रेशन डाउन नहीं हुआ था, लेकिन यहां पे कैटायन की स्पीड बढ़ गई, तो कैटायन की स्पीड बढ़ने से यहां का कंसेंट्रेशन डाउन, और एनायन की स्पीड बढ़ने से यहां का कंसेंट्रेशन डाउन, क्लियर। अब तीसरा लेते हैं, तीसरा केस क्या है, कैटायन्स मूव फास्टर देन एनायन्स। मान लो दो कैटायन मूव हो रहे हैं और तब तक सिर्फ एक कैटायन मूव हो रहा है, अब आप गेस करो कि कहां पे कंसेंट्रेशन डाउन हो जाएगी। शाबाश, कैटायन मूव होंगे तो कहां पे एनोडिक कंपार्टमेंट में कंसेंट्रेशन डाउन होगी, तो अगर एनायन्स मूव होंगे तो कैथोडिक कंपार्टमेंट में कंसेंट्रेशन डाउन होगी, क्लियर। ये तो सिंपल सी बात है। अब यहां पे देख भी लेते हैं इसको। मान लीजिए पहले यहां पे चार पेयर्स थी, यहां पे चार पेयर्स, लेकिन कैटायन जो है ना वो डबल स्पीड से भाग रहा है, तो इसका मतलब यहां से दो कैटायन चले गए, ये कैटायन ये चले गए इधर, दो कैटायन। जब तक यहां से दो कैटायन गए तब तक यहां से एक एनायन यानी इस कैटायन का एनायन था वो इधर आ गया, है ना, क्योंकि कैटायन दो मूव हो रहे हैं तब तक एक एनायन, क्लियर। तो अब देखते हैं यहां पे बचते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दो पेयर्स, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव तीन पेयर्स, तो इसका मतलब कैथोड का कंसेंट्रेशन यहां पे ज्यादा है और एनोड का कंसेंट्रेशन कम है, ठीक है। यहां पे तीन नेगेटिव चार्जेस डिस्चार्ज हो जाएंगे यानी तीन एनायन्स, तब तक यहां पे तीन पॉजिटिव चार्जेस यानी तीन कैटायन्स डिस्चार्ज हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यानी जितने पॉजिटिव आयन यहां पे डिस्चार्ज हुए उतने ही यहां पे नेगेटिव, लेकिन
कंसेंट्रेशन यहां पे अभी भी तीन पेयर्स हैं, यहां पे सिर्फ दो ही पेयर्स हैं, तो इसका मतलब यहां पे कंसेंट्रेशन डाउन हो गई। कहां पे? पॉजिटिव कंपार्टमेंट में, यानी एनोडिक कंपार्टमेंट में, क्योंकि कैटायन का स्पीड ज्यादा है, डबल स्पीड, एनायन का स्पीड कम है, इसलिए यहां पे कंसेंट्रेशन मतलब उतनी कम नहीं हुई जितनी यहां पे। यहां पे एक ही पेयर गायब हो गई, यहां पे दो पेयर गायब हो गए। क्लियर? तो इसका मतलब अगर कैटायन की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, तो एनोडिक कंपार्टमेंट जो है, एनोडिक कंपार्टमेंट उसकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। इस तरह से अगर एनायन की स्पीड बढ़ जाती है तो कैथोडिक कंपार्टमेंट की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ आयन्स मूविंग अवे फ्रॉम इट। ठीक है, अब अगर मैं इसका रिजल्ट अब बता दूं आपको, तो नेट रिजल्ट क्या है? नेट रिजल्ट ये है कि आयन इज डिस्चार्ज्ड इन इक्विवेलेंट अमाउंट्स, यानी जितने पॉजिटिव चार्ज डिस्चार्ज होंगे, न्यूट्रलाइज होंगे, उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान डिस्चार्ज होंगे। लेकिन लॉस इन कंसेंट्रेशन अराउंड एन इलेक्ट्रोड जो है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ आयन्स मूविंग अवे फ्रॉम इट। इसे हम कहते हैं हिट ऑफ रूल। क्या कहते हैं? हिट ऑफ रूल। हिट ऑफ रूल को अगर हमने देखा, फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फॉल इन कंसेंट्रेशन अराउंड एनोड डिवाइड बाय फॉल इन कंसेंट्रेशन अराउंड कैथोड इज इक्वल टू एनोड। एनोड की कंसेंट्रेशन कब डिक्रीज होगी, कम होगी? जब स्पीड ऑफ कैटायन बढ़ जाएगी, है ना। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड ऑफ कैटायन, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड ऑफ एनायन। सो फॉल इन कंसेंट्रेशन अराउंड एनोड डिवाइड बाय फॉल इन कंसेंट्रेशन अराउंड कैथोड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ कैटायन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ एनायन। ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, म्यू पॉजिटिव डिवाइड बाय म्यू नेगेटिव। क्लियर? ये सिंपल सा लॉ है। क्लियर? अब इसके बाद में ये जो ऊपर हमने देखा इलेक्ट्रोड, हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोड ने कोई रिएक्शन नहीं किया, हमने इलेक्ट्रोड को कोई रिएक्शन नहीं कराया, यानी इलेक्ट्रोड इज नॉट अटैक्ड। ये हमने पहले देखा, मान लो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड थी। अब जो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं हम, वो मान लो वो अटैक हो रहे हैं, अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स। सपोज सिल्वर का इलेक्ट्रोड है और जो सोल्यूशन है वो सिल्वर नाइट्रेट का है, सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं। ठीक, तो सिल्वर भागेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और नाइट्रेट भागेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, है ना, सिल्वर नाइट्रेट का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। मान लो नाइट्रेट आयन आ रहा है सिल्वर इलेक्ट्रोड की तरफ, इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जब ये इसके नजदीक पहुंचेगा तो नाइट्रेट और सिल्वर आपस में रिएक्ट करते हैं और ये बनाते हैं सिल्वर नाइट्रेट, प्लस वहां से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। अगर नाइट्रेट ने सिल्वर के साथ में, यानी यहां पे जो सिल्वर था उसके साथ रिएक्ट किया, उसको नीचे लाया, तो इससे क्या होगा, यहां पे सिल्वर नाइट्रेट की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले मान लो यहां पे 5AgNO3 थे ऑलरेडी, अब और एक NO3 आया, वो अकेला तो नहीं रहेगा, वो सिल्वर के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है सिल्वर नाइट्रेट। तो पहले 5 आयन प्योर्स थी, सिल्वर नाइट्रेट आयन ये थे मॉलिक्यूल्स मान लो, या फॉर्मूला यूनिट्स, लेकिन अब 6 हो गए क्योंकि अब कंसेंट्रेशन बढ़ गई। क्यों? क्योंकि सिल्वर रिएक्ट कर रहा है तो कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है सिल्वर आयन्स की। क्लियर? तो इस सूरत में आप स्पीड कैसे निकालेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि स्पीड ऑफ सिल्वर आयन और स्पीड ऑफ नाइट्रेट आयन क्या है? तो मैं बता सकता हूं। देखो, इस सूरत में हम कहेंगे कि स्पीड ऑफ एजी पॉजिटिव आयन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ नाइट्रेट आयन इज इक्वल टू फॉल इन कंसेंट्रेशन अराउंड एनोड, यहां तक क्लियर, डिवाइड बाय फॉल इन कंसेंट्रेशन अराउंड कैथोड। लेकिन यहां पे कंसेंट्रेशन इंक्रीज भी हो रही है ना, इसको समझना। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यह टफ है तो आप यहां तक भी याद रख सकते, लेकिन बेहतर है कि यह भी समझ लो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फिर फॉल इन कंसेंट्रेशन अराउंड एनोड में ऐसे लिख सकता हूं x-y, और फॉल इन कंसेंट्रेशन अराउंड कैथोड को लिख सकता हूं मैं y, तो मैं लिखूंगा फिर x-y डिवाइड बाय y। अब आप सोचेंगे कि आपने ये कहां से लाया, तो ये हम फॉर्मूला बनाते हैं। ये फॉर्मूला कैसे बनाते हैं मैं बताऊंगा। देखो, ये x मान लो ये है टोटल नंबर ऑफ एजी पॉजिटिव आयन्स अराउंड
अराउंड एनोड, यानी ये पांच प्लस और ये एक छह, मान लो छह टोटल। अब ये तब ले रहे हैं हम जब कुछ भी माइग्रेशन नहीं हुआ, यानी सिल्वर आयन यहां माइग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि सिल्वर भी पॉजिटिव आयन है ना, वो भी नेगेटिव आयन की तरफ मूव होगा। और वाई मान लो, वाई मान लो इन छह में से दो एजी पॉजिटिव इधर चले गए, तो वहां पे कितने रह जाएंगे, चार। और चार मान लो ये है, चार मान लो जो है ना ये एक्चुअल कंसंट्रेशन अराउंड दिस, क्योंकि इसमें से दो आयन्स मूव हो गए, ठीक। तो मैं बोलूंगा वाई इज इक्वल एक्चुअल इंक्रीज इन एजी पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि दो तो इधर चले गए ना। तो फिर मैं अगर बोलूंगा कि एजी पॉजिटिव कितने माइग्रेट हुए, देखो आप बोलेंगे पहले छह थे, है ना, आप बोलेंगे पहले छह थे, छह में से अब सिर्फ चार रह गए पीछे, तो इसका मतलब यहां पे चले गए माइग्रेट जो हो गए वो दो हो गए, ये आप सिंपल बोल सकते हैं। अब मान लो एक्स जो है वो टोटल एजी पॉजिटिव आयन्स थे जब कोई माइग्रेशन नहीं हुआ था, लेकिन वाई जो है वो एक्चुअल इंक्रीज इन एजी पॉजिटिव, यानी एक्चुअल मतलब जब कुछ एजी पॉजिटिव आयन इधर माइग्रेट हो गए, तो इसका मतलब जो एजी पॉजिटिव माइग्रेटेड अगर हमें निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे टोटल माइनस एक्चुअल, है ना, एक्चुअल वो रह जाएगा, उसमें हमें पता चलेगा कि गायब कितने हो गए, तो दो, या मैं कहूंगा टोटल माइनस एक्चुअल इन एक्स माइनस वाई, वही हमने, इससे हमें मिल जाएगा कि फॉल इन कंसंट्रेशन कितना हो गया, यानी गायब कितने हो गए। अब वाई जो होगा, वाई वो डिपेंड करेगा नाइट्रेट पे, वाई मीन्स एक्चुअल इंक्रीज कितना हुआ, एक्चुअल इंक्रीज कैसे पता चलेगा हमें, वो हमें पता चलेगा कि नाइट्रेट कितने आ गए, जितने नाइट्रेट आएंगे सिल्वर के साथ रिएक्ट करेंगे उतनी ही इंक्रीज होगी। सो इसका मतलब वाई जो है, वाई को हम और एक नाम भी दे सकते हैं, दैट इज स्पीड ऑफ एनओ थ्री, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा फॉल इन कंसंट्रेशन स्पीड ऑफ एजी पॉजिटिव, वो लिखा एक्स माइनस वाई के बराबर, ठीक, और स्पीड ऑफ एनओ थ्री लिखा वाई के बराबर, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो हो गया मसला हल। तो ये था हिटॉप्स थ्योरेटिकल डिवाइस, आई होप ये आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा लेंथी हो गया लेकिन इसको सिंप्लीफाई कराने के लिए टाइम तो लगाना ही पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए फिलहाल बाय।